नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह रावत एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस की वीडियो जो है उपलब्ध करवा रहा हूं। तो ये एक्सपीरियंस भी की वीडियो का 16वां पार्ट है। इससे पहले मैं जो है 15 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका हूँ। दोस्तों, इनका जो है आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये भाई क्वालिफाइड हो चुके हैं। हर एक वीडियो में मैं मेंशन करूँगा क्वालिफाइड एंड डिसक्वालीफाइड, लेकिन आप लोगों को सभी लोगों का जो है ट्रेड टेस्ट के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोगों को सभी के एक्सपीरियंस लगातार सुनते रहना है, जिससे आप लोगों के लिए सुधार होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं वो आप लोग किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं हर एक भाई का क्वेश्चन जो है कंप्लीट करता हूँ और अगली वीडियो में आप लोगों को उसका आंसर मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए मैंने नीचे ही चैनल के जो है आप लोगों के लिए एक आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो है चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है, जिसपे हम हमारे सभी जितने भी भाई आरपीएफ के हैं वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लगभग 300-350 बच्चे जो है जुड़ चुके हैं, वो भी ओनली फॉर आरपीएफ। तो आप लोगों को वहाँ पर जुड़ जाना है, जहाँ पर आप लोग किसी भी वीडियो में कमेंट करोगे तो आप लोगों को जो है उसी के बारे में स्पेशल जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए आरपीएफ ट्रेड टेस्ट का 16वां एक्सपीरियंस वीडियो, इसको आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है। साथ ही उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है जो आपको नीचे दिया गया है, क्योंकि आगे से जो कोई भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को उसी चैनल पर किया जाएगा। क्योंकि यह चैनल जो है स्टडी चैनल है और इस पर जो है पढ़ाई करवाई जाती है। अभी कुछ दिनों के लिए जो है क्लासें होल्ड पर रखी गई हैं, क्योंकि आरपीएफ ट्रेड टेस्ट की वजह से। इसीलिए मैं जो है ट्रेड टेस्ट को नीचे की ओर ले जाना चाहूँगा, जो हमारा नीचे का चैनल है, तो उस पर आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द से जल्द मैं उस पर आप लोगों के लिए जो है वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। ओके, तो इनका जो है कुछ अनुभव है, उनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इनका अनुभव अभी तक के मेरे सारे अनुभवों में सबसे बेस्ट रहा है। तो इनको पूरा अंत तक और ध्यान से सुनना है। ओके, तो इनको पूरा ध्यान से सुनिएगा। सर बताइए, सर आपका ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में हुआ था? सर 8 अगस्त को हुआ था। सर सर आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? सर बिल्कुल सर, तो आप बताइएगा सर, आप कौन सी ट्रेड से थे? सर वाटर करियर, अभी वाटर करियर की चल रहे हैं, वहाँ पे 20 अगस्त तक वाटर करियर की चलेंगे। यस सर, तो आप सर बताइएगा सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल से सर, कुछ जिससे आपके भाइयों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके। सर तो जैसा कि मैं शुरुआत से बताता हूँ, मैं हम लोगों ने स्टे किया था, तो हम लोग एक दो दिन पहले पहुंच गए थे। मुझे ट्रेन, मेरी ट्रेनिंग कैंसिल हो रही थी, तो पहले निकल गया था मैं। हाँ। मेरे साथ कुछ लड़के और थे ट्रेन में ही, वो भी मेरे साथ थे, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। हाँ, आपका क्वालिफाई हो गया सर? हाँ, मेरा क्वालिफाई हो चुका था। यस सर, तो जब हम मेरे दोस्तों का, तो एक दिन पहले गया था, मेरा नेक्स्ट डे था। तो नेक्स्ट डे मैंने उन लोगों से एक्सपीरियंस उनको पूछा, लेकिन एक्सपीरियंस का उनसे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि वो फेल हो चुके थे सारे के सारे। हाँ। तो जब उनको उनकी बातें सुन रहा था मैं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी डाउन हो रहा था। मैंने यहाँ पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं शाम को जो आरपीएफ जनरल ट्रेनिंग सेंटर निकल गया, जहाँ से पास आउट बच्चे जो थे वो निकल के आ रहे थे, तो मैं उन्हीं के साथ उनके पीछे पीछे चल दिया, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी ली, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं, क्या करवा क्या नहीं करवा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 5-6 चीजें बताई कि आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे ही कुछ बंदों से बोल दिया कि वो कुछ भी बनाए 4 मिनट के समय में, तो कुछ भी बना के खिलाना था, यानी बना के दिखाना था। तो कुछ लोगों ने जो पास आउट थे उनमें से एक ने चीला बनाया था, जिसका सबसे लास्ट में हुआ था, बेसन का चीला बनाया था। उसने बोला कि आपसे ऑमलेट भी बनवा सकते हैं, बेसन का चीला भी बनवा सकते हैं, पकौड़े भी तलवा सकते हैं, पकौड़े और चिप्स भी बनवा सकते हैं, आलू जो रखे रहते हैं उसके चिप्स जो कि बारीक कट के बनते हैं, काफी टफ होता है वो। उसके बाद जो शुरुआती काम होते हैं वो रोटी का आटा मारना और रोटी सेकना, इतना तो ये नॉर्मल था, सभी से ही करवा रहे थे ज्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सुबह वहाँ पहुंचा, तो ग्राउंड में एक सिटिंग सीढ़ियां बनी हुई है, जहाँ पे बच्चों को ठहराते हैं, बारिश पड़ रही है, तो टीन शीट के नीचे सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों में बच्चों को बिठाते हैं सभी को लाइन वाइज। ठीक है, बिठा करके जितने बच्चे बैठ जाते हैं उतने बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो खड़े रह जाते हैं कुछ। बिठा करके फिर वो सभी को उनका नंबर बताते हैं, रोल नंबर वाइज नंबर आते जाएंगे और सभी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके सभी को नंबर की काउंटिंग जो है बंदे को बता दी जाती है कि आपका नंबर है, आपका नंबर है।
अब मैंने सुना, देखा मैंने वीडियोस में, कुछ लोग 15 बोल रहे हैं, कुछ 14 बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 14 बंदे ले जाते हैं, 14 टेबल ही वहां पे लगी हुई है जहाँ पे वाटर कैरियर का टेस्ट होता है। ठीक है, 14 बंदे का एक ग्रुप बनाते हैं, उनको भेज देते हैं आगे, फिर 14 बंदों का एक ग्रुप बनाते हैं, उनको भेज देते हैं आगे, लेकिन वो नंबर वाइज चलता रहता है, 1 2 3 4 से। तो मेरा 195 190, सॉरी मैं बताना ही चाहूंगा, सॉरी गलती से निकल गया सर, कोई नहीं। तो हाँ, वहां पहुंच करके जब हमारा तीसरा बैच था, जब हम लोगों को नंबर मिल गए थे, तो मुझे भी नंबर मिला था, नंबर के साथ हम लोग वहां बैठ गए थे। नंबर के बाद वहां पे हमारा बायोमेट्रिक सेशन होता है, बायोमेट्रिक कराते हैं, एडमिट कार्ड चेक करेंगे, आईडी चेक करेंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे, लेफ्ट हैंड पे थंब लगवाएंगे, मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सबसे लास्ट में करवाते हैं, सबसे जितने जिसका भी मिसमैच निकलता है, थंब इम्प्रेशन। उसके बाद में जो बच्चे छट जाते हैं, तो वही नंबर, सभी जितना नंबर सभी को मिला हुआ होता है, उसी नंबर वाइज एक एक बंदे अपने आगे वाला बंदा देख लेता है, कौन सा बंदा मेरे आगे, तो उसी के पीछे चलना होता है उसको लास्ट तक, लास्ट तक चलने। फिर हम लोगों को एक क्लासरूम टाइप का बना रहता है, हॉल टाइप का, जिसमें वहां पे बेंचेस पड़ी हुई है बैठने के लिए, वहां बिठा देते हैं। बिठाने के बाद पहला बैच, तीन रूम बने रहते हैं जिसमें पहला दूसरा तीसरा, जैसे कि मैंने बताया मेरा तीसरा था, पहला बैच चला गया था टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट उन्होंने दिया, फिर उनमें से कुछ जो भी बच्चे पास हुए हैं वो कितने पास हुए ये मेरे से कंफर्मेशन नहीं है, फिर दूसरा प्री टेस्ट के लिए बैच गया, उसमें 14-14 करके बच्चे लिए गए, सभी में से 14-14 करके लिए जा रहे थे, उनका भी हो गया, उसमें जितने बच्चे पास हुए उनका पता नहीं। फिर आता है तीसरा बैच, तीसरे बैच में जब मेरा नंबर आया वो, ठीक है, तो मेरे बैच में जो 14 बच्चे थे, सिर्फ 14 बच्चों में दो ही लोग हम पास हुए थे, एक मैं था और एक और सज्जन थे हमारे साथ के, वो थे जो हमारे ग्रुप में थे। तो हम लोगों से टास्क तो सभी लोगों को दे रहे थे। अब टास्क में ये होता है कि शुरुआत में तो सभी को आटा मारना होता ही होता है, ठीक है, उसके बाद में रोटियां सिखवाते हैं उसी आटे से, जब बंदे आटे मार के चले जाते हैं, जिसका आटा चेक कर लेते हैं, और जिसका टास्क के साथ साथ रोटियां भी सिखवा देते हैं कभी कभी। फिर जब रोटियां सिखवाते हैं तो जो आटा बचता है आटा, उसकी भी रोटियां अगले वाले बैचेस करवा सिखवा देते हैं, ठीक है। रोटियां जैसे अच्छी गोल होंगी इतनी अच्छी फूल जाएंगी, इतना क्या होता है बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन, बच्चे के इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ता है, वो उस बच्चे को उठा लेते हैं, यानी कि सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें टास्क दिया गया है कि 3 रोटियों को आटा मारो और 1 रोटी सेको। मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने होटलों में काम किया, मैंने 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आटा मार दिया और तुरंत ही मैंने उसकी गैस चालू करके रोटी पिघलना स्टार्ट कर दी, तो मैंने रोटी डाली, रोटी ऊपर से थोड़ी सी नरम पकाई, फिर नीचे से थोड़ी सी गरम पकाई, मतलब थोड़ा बैलेंस बना, पर इतना बैलेंस नहीं, थोड़ा 10 सेकंड के लिए ऊपर और 10 से 20 सेकंड के लिए नीचे, ठीक है, पक जाती है, फिर तवा उतार के नीचे रख लो और रोटी को एक जो जाली बनी हुई रहती है रोटी सेकने के लिए, उसके ऊपर रोटी को उल्टा करके डालो, जहाँ से सिक रही थी वहां से नहीं, जहाँ सिक चुकी थी वहां से, उसको हिलाते रहो, वो रोटी फूल जाएगी तुम्हारी, ठीक है, हिलाते रहो, अगर तुम उसके ऊपर रखते रहोगे तो रोटी जल जाएगी तुम्हारी, रोटी जल जाएगी तो तुम फेल। ऐसा सर? हाँ सर, आप कोई बस इसी प्रकार का कुछ बताइएगा जिससे बच्चों का मतलब रोटी फूल जाए सर। हाँ, जैसे मैंने बताया ना आपको, ऊपर से थोड़ी गर्म पकाओ, नीचे से थोड़ी गर्म पकाओ, मतलब सर एक बात बताइए, जैसे सर पहले बेल ली सर उसको, फिर ऊपर तवे पर डाल दी। हाँ, जब पहले जब हम पहले ऐसा तवा गर्म कर रहे होते हैं, यानी कि उसको पचा रहे होते हैं, रोटी पचाना बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको थोड़ा नॉर्मल पचने दो, उसमें बबल आ जाए, हल्के हल्के छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, इतनी करो, फिर उसको पलट दो रोटी को, नीचे से थोड़ी हार्ड गर्म कर लो, मतलब सिक जाए, ऐसा लगे कि ब्लैक पे हल्का हल्का स्पॉट आ गया, लगे कि हाँ सिक गई है, इतने में सिक जाए तो रोटी को पीछे से मत सेकना, सिर्फ ऊपर से ही सेकना, मतलब पलट देना रोटी को जहाँ से हमने कम पकाई थी, ठीक है, उस स्टैंड के ऊपर, स्टैंड को हिलाते रहो, हल्का हल्का, रोटी गिर ना जाए, हल्का 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 हिलाते रहो ताकि रोटी आराम से फूलती जाए, जैसे फूल जाएगी रोटी स्टैंड को तुरंत हटाओ, ठीक है, नहीं तो रोटी एकदम जल जाएगी।
हाँ स्टैंड को तुरंत हटाओ, रोटी को अपनी प्लेट जो तुमने साफ करके रखी है प्लेट को साफ करके रख लेना, क्योंकि मैंने साफ करके रखी हुई थी, वहाँ पे ही कपड़ा रहता है, प्लेट को साफ करके जो रखी थी मैंने वहाँ पे रोटी को रख दिया, और अपने अपने जो हाथ है अपने तरीके से सामने की ओर बनाए रखे। रोटी जो हमारा जो वहाँ पे SS की थे, चार रीजन से SS पे आए थे मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ सुनने में आया मेरे को, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने भी तारीफ की, और क्या बोलते हैं रोटी को जो है मैंने उनको जाके सर्व भी किया स्टेज पे जाकर के, तो उन्होंने मेरी जो रोटी थी जो मैंने सेकी थी उसको रख भी लिया था। अब मैं इसमें हाइजीनिक कुछ बता दूं, मैं काफी सारा चेक किया तो मेरे साथ के बंदे थे और जो एक दिन पहले मुझे मिल चुके थे, दे ऑल हैव क्लीन शेव, सब की सब क्लीन शेव बंदे थे, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, ज्यादातर लोग तो मैं देखते थे अपने आप के सामने, तो मैंने भी क्या बोलते शेविंग वेविंग करा रखी थी एकदम, मेरे नाखून में अपने साथ नेल कटर और कुछ रख के ले गए थे टूल्स, जिससे मैंने अपने क्या बोलते हैं नाखून वगैरह सब साफ किए और हाइजीन तरीके से वहाँ पे खाना पकाया। ये सब नोटिस करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं करें, वो हर चीज नोटिस करते हैं, खाने पीने बनाने के लिए सफाई जरूरी है। हाँ साफ सफाई जरूरी है, और कहने का मतलब है कि यदि वो अपन को भले ही पोस्ट छोटी हो लेकिन उनको हर चीज ऑफिशियल चाहिए, तो ऑफिशियल जैसा लगना भी चाहिए। बिल्कुल 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 सर, ऑफिशियल बिल्कुल ऑफिशियल, जैसे जैसा कि एक दिखता है ना, लगता है कि सामने वाले बंदर के अंदर क्या हो रहा है, साफ सफाई की अहमियत रखता है कि नहीं रखता है, तो दिख जाता है उससे, है ना, उसी तरीके से जब वो बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको बंदों को रोक लेते हैं, वो जब बिठा के रख लेते हैं 3 बजे तक के लिए, इस बीच में वो टाइम देते हैं अब तुम्हें खाने पीने के लिए, ठीक है, वहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन से कुछ खा पी भी सकते हो, ठीक है, फिर जब उनका आधा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि हम 500 बच्चे थे, 500 में से 379 बच्चों का हो चुका था 379 का, तो 379 के जो रिजल्ट हमारे सामने ला के रख दिए थे, वैसे जो बच्चे छाट दिए गए थे, तो जब तक मेरा नंबर आया था मेरा 27th नंबर था, फिर जिनमें कुछ लड़कियां भी पास की थी तो उनको आगे लगा दिया 4 लड़कियों को, तो मेरा 31 नंबर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को उठा के ले गए जो पास आउट हो चुके थे, और क्या बोले जो फेल हो गए थे उनको वापस कर दिया कि आप सर, क्या टोटल कितने बच्चे पास हुए थे सर? मेरे 379 बच्चों में से 61 बच्चे पास हुए थे सर। बहुत बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ लोग कहना है कि बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे से एक दिन पहले 76 बच्चे पास हुए थे। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है नहीं वो 35-40 यहाँ ले नहीं रहे हैं। हाँ 35-40 अब आपके, मैंने मेरे दोस्त से गया था, मेरे दोस्त का था 3 तारीख को, 3 अगस्त को, तो उसने भी मुझे ये बोला कि 36-40 बच्चे लिए थे बस मेरे सामने, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होता है कि पहले जो आधे बच्चे होते हैं ना उनका हो जाता है, फिर जितने बच्चे रह जाते हैं उनका भी चल रहा होता है, प्रोसेस में चल रहा होता है, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें से बच्चे क्या बोले छाट लिए जाते हैं, पहले ज्यादा भीड़ हो जाती है ना तो उनको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि आपका हो गया आप जाओ आप पेड़ो, है ना, उनको वापस कर देते हैं, जो पास आउट होते हैं उनको ले जाते हैं और क्लासरूम में बिठा देते हैं ऊपर दोबारा से। अच्छा सर, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हाँ सर, अब उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए सर। सर वो तवे वावे के बारे में बताइए सर, तवा कुछ किस प्रकार का था, मतलब तवा मतलब कैसा होता है सर, नॉर्मल तवा था कि मतलब कुछ? तवा जो नॉर्मली होता है लोहे का होता है वहाँ पे, ठीक है, हाँ, एल्यूमिनियम वगैरह किसी का नहीं, लोहे का, एल्यूमिनियम का सिर्फ वो होता है पैन, हाँ, पैन जो होता है वो एल्यूमिनियम वगैरह का होता है, तवा हमेशा लोहे का ही होता है, ठीक है, तवा लोहे का मिलेगा, उस पर आपको रोटी सेकनी है, आपको जो चूल्हा मिलेगा वो जो शादियों में बनता है ना, बड़े बड़े भगोने से बड़े बड़े भगोने खाने होते हैं, वो वाला चूल्हा मिलता है आपको, ठीक है, जो हलवाई वाला चूल्हा होता है, जैसे हलवाई वाला चूल्हा बोलते हैं, और आपके बगल आपके पास 2 टेबल रखी रहती है जिसपे एक पे चूल्हा रखा रहता है और एक पे सब्जी कटी हुई मिल जाएगी, अगर सब्जी बननी होगी तो सब्जी आपसे बनवाएंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे आप सब्जी, आपको टास्क दे दिया जाए सब्जी काटने का, आलू प्याज जो भी आप काट रहे हो, तो जो क्यूब्स आप काटोगे सब्जी के लिए क्यूब्स काटे जाते हैं हमेशा, वो एकदम सेम साइज के होने चाहिए, बिल्कुल भी ना छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए, सेम साइज की कटिंग करो, कोई आपको फेल नहीं करेगा, आप चाहे छोटा बारीक काट रहे हो लेकिन सेम साइज काटो, ठीक है, हाँ, जब सब्जियां आपके पास कटी हुई मिल जाती है सब्जियां बना लो, मसाले उसमें टेबल रखी, वो सॉरी एक टेबल के ऊपर जो प्लेट है कोने में रखी रहती है, उसको मसाले रखे हुए होते हैं उसी में,
उसी में प्याज पड़ी हुई होती है कटी हुई, उसी में आलू पड़ा हुआ होता है कटा हुआ, बीच में एक स्पेसा दे दिया जाता है, नीचे आपका पानी रखा रहता है एक जग में भर के, और एक छोटे से डिब्बे में 5 किलो का डब्बा होता है, उसमें आटा भरा हुआ रहता है। आटा आप रोटी बेल रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार में रोटी का आटा ले लिया, आप कितनी बार भी ले सकते हो, बस आपकी रोटी टाइम के अंदर बननी चाहिए, 4 मिनट का समय देते हैं वो लोग रोटी सेकने के लिए। सर जैसे अपन से बोल दिया सर आटा गूंदो, जरूरी है सर बहुत ज्यादा आटा गूंदो, सर एक रोटी के लिए आटा गूंदो? वो टास्क देंगे आपको, दो रोटी के लिए बोलेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही रोटी का मारना है, ना ज्यादा ना कम, ऐसा सर? हाँ वो टास्क, अगर टास्क जो दिया, टास्क नहीं कर पाओगे तो फेल कर देंगे। हाँ ये भी सही, ठीक है ना। मैंने अपने जो आटा था मेरा, मैं घर पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं ढाबे पे भी बहुत प्रैक्टिस की थी जहाँ मैं काम किया करता था, है ना। मैंने मैंने दोस्त ने मुझे बता दिया था जो मैं 3 अगस्त को देने गया था कि मैंने आटा नापा, लेकिन क्या बोलते हैं उससे ज्यादा नप गया, उसे जो है 2 रोटी का आटा मारने के लिए बोला लेकिन उसने 4 रोटी का मार दिया। तो उसी हिसाब से आटा लेना पड़ता है ना, मुट्ठी अगर भर रहे हैं मुट्ठी से आटा लेना पड़ता है, मुट्ठी अब भर रहे हैं। कुछ अंदाजा बताइए जैसे सर बच्चों को सहायता मिले सर। हाँ आप उंगलियों के जो उंगलियों मुट्ठी भरते हैं ना, तो पूरा पूरा मुट्ठी मत भरो, सिर्फ उंगली के बराबर भरो। वो कितने के लिए हो जाता है सर? हाँ वो 1 के लिए होगा, 1 के लिए हो जाएगा सर। हाँ उंगली के बराबर भर लो, अब आटा रख लो साइड से, फिर उंगली के बराबर रखो आटा, रखो प्लेट में, ठीक है। फिर उसकी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आटा निकाल के चून जो की है आप निकाल के यहाँ तो पहले रख रहे हैं, बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें 3 इंच जो होते हैं ना हमारे, हम छिंका मारते हैं छिंका हाथों से वो अपने चेहरे पे, तो उस तरीके 3 इंच जो है छिंके आटे में डालो, तो उस आटे को अच्छे से मार दो, जब तुम्हें लगे सूखा सा है अभी, थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी लेना हाथों में लेकर उसमें डालना, वो आटा तुम अच्छे से तरीके से मार लोगे। उसको गूदना जल्दी जल्दी में गूदना, अगर परफेक्ट क्या होता है काम करना है तो थोड़ा हाथ तेज चलाना, और उसको जरूरी नहीं कि पेट में गूदो, आप अपने हाथों में ले लो अच्छे से उसको मल दो, छोटा सा हाँ मल दो, क्योंकि वो छोटा थोड़ा सा आटा होता है, थोड़ा सा आटा हम प्लेट में मलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हाथों से मल दो, ठीक है। हाथों से मलोगे आटा जो अच्छा मल जाएगा, उसी में से आप लोई तोड़ के बराबर बराबर रख लो, बराबर लोई होनी चाहिए ताकि क्या होता है रोटी और ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या होता है कि सबसे बड़ी रोटी का साइज ना बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में रोटी बड़ी सीख रही है तो आप बड़ी सीख दो, आप ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक आपका जो हाथ है हाथ के बराबर रोटी सेकनी है गोल, एक अगर आपने गोल गोल रोटी सेक दी और वहाँ पे कहीं भी कट लग जाता है तो आप फेल हो जाओगे। मैं देखा लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था जो फेल हो चुके थे, हल्का सा भी अगर आपका जो आपने गोल रोटी सेक दी और हल्का सा ऊपर क्या बोलते थोड़ा सा बेलना लग गया और क्या बोलता है थोड़ा सा ऊपर निकल गया आटा, और आपने उसको सेट नहीं किया और आपने वैसे ही तवे पे डाल दी तो फेल हो जाओगे। तो रोटी गोल होनी चाहिए, रोटी फूलनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको कटिंग बता दिया, फिर इसके बाद सब्जी बनाने के लिए होता है, सब्जी अगर आप जल्दी बनाना चाहो तो आलू प्याज की सब्जी जल्दी बन जाती है, भिंडी की सब्जी जल्दी बन जाती है, ठीक है। और भी कुछ शिमला मिर्च के मिक्स वेज अगर कुछ बना रहे हो तो मिक्स वेज बना सकते हो, उसकी बारीक कटिंग थोड़ी ले करके मिक्स वेज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो तेल में जल्दी क्या होता है नरम हो जाता है ना, पानी में थोड़ा कम थोड़ा टाइम लगता है पानी में, लेकिन तेल में जल्दी नरम हो जाता है, उसके लिए कम मिक्स वेज के लिए कम तेल भी लगता है। मसाले तो बाद में ही डलते हैं हमेशा, जितने भी मसाले होते हैं, ठीक है। इतना ध्यान मुझसे पूछा भी गया था नॉन वेज बना लेते हो नहीं बना लेते हो, अगर वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसमें हाँ मैं हाँ बुलाऊ, मतलब कि आपके अंदर डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आपके आप चेहरे पे क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसने उन्होंने नॉन वेज के लिए बोल दिया और आपने चेहरा बना दिया सर नॉन वेज बना लेते हैं, चेहरे में एकदम खिलखिलाहट होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम डरा हुआ महसूस कर रहे हो। अगर नंबर ज्यादा पाने हैं तो क्या बोलते हैं थोड़ा दिखाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है या नहीं है। हाँ ये भी सही है सर आपका, है ना। फिर जब अब यहाँ पे खाना पीने की बात तो हो गई खत्म, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को ऊपर बिठाते हैं, एक फाइल दे देते हैं हमें और एक नोट दे देते हैं जिसमें क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं कि आपको ये लगाने हैं, अगर आप क्या बोलते हैं रिट्री हो तो रिट्री के लिए प्रोसेस है क्या है ये नहीं पता, लेकिन अगर क्या आप पहले से कहीं काम कर रहे हो तो उसके लिए NOC लगती है, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको उसके लिए NOC लगती है। NOC क्या होता है सर जी, थोड़ा बताइए सर। नॉन ऑब्जेक्शन करके होता है कुछ, ऐसी कुछ करके इसकी फुल फॉर्म होती है,
जिसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कोई, उसके ऊपर क्या होता है, जहाँ वो बंदा जॉब कर रहा होता है उसके SSP या फिर कोई SP जो हेड होते हैं आपके, उनके सिग्नेचर होते हैं ताकि उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अच्छा, यदि कोई बंदा कहीं काम, कोई बंदा कहीं काम कर रहा है सर, तो उसके लिए होता है ना सर ये? हाँ, जो कि गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा सर, हाँ, बंदा जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ, अगर उसको तो उसके लिए गा रहा है, एग्जाम दे रहा है, हाँ, तो उसके लिए NOC जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, जो फ्रेशर्स है उनके लिए वो नहीं है, फ्रेशर्स के लिए सिर्फ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप अपनी हाई क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, BCOM जो भी आपने कर रखे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल दो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है तो वो भी डाल दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए फॉर पर्पस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए 10th की मार्कशीट ही चलती है, है ना। हाँ सर, हाँ, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपका, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड तो सर सुबह जो आप जाते हो ना, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास पर्सनल आईडी हो वो दिखाओ तो सर, उसमें डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस का उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो अगर आपके पास है तो, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा अगर आप OBC से हो तो नॉन क्रिमिनल चाहिए। और एक पहली बता दूं मैं, यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने 2016 का मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था, बट क्योंकि मुझे टाइम दिया गया अभी 15 दिन का, मुझे दोबारा जाके वहाँ पे जमा कराना है, तो सब बंदों को पहली बता दूं मैं, 1 साल पुराना ही चाहिए उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, सेंट्रल का चाहिए ना सर? सेंट्रल का ही चाहिए और 1 साल पुराना ही चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि न्यू हो सर, बिल्कुल ही न्यू, तो चल जाएगा? चल जाएगा। और सर क्या कहते हैं सर, उसका फॉर्मेट क्या, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा। तो ठीक है सर, कुछ लोगों का कहना है सर इंग्लिश ही अकेले चलेगा, कुछ लोगों का कहना है हिंदी अकेला चलेगा। ऐसा है ना, हिंदी में चलाते हैं तो क्या बोलता है, उसमें हिंदी में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेकर के आता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मैंने एक बनवाया तो मुझसे लड़का बोल रहा था कि ऐसी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैंने कहा ठीक है आप इंग्लिश में बनाओ, तो इंग्लिश में बनाने को दे दिया। ठीक है, आ जाएगा कुछ दिनों में, चला जाऊंगा जमा करने को। उसके बाद जो जो जिन्होंने हमारा प्री टेस्ट लेते हैं वही आते हैं, वो SP होते हैं, SSP होते हैं, इतना कंफर्मेशन नहीं होता मेरे को, तो वहाँ पे बैठ करके चार जो होते हैं अलग अलग रीजन से चारों बैठे हुए होते हैं, जो हेड होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं लेकर के सबमिशन के लिए डाल देते हैं, और हमको डॉक्यूमेंट हमारे सामने चेक करके सबमिशन के लिए डाल देते हैं और हमको बाहर बिठा देते हैं, तो जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट बाहर हमको बाद में दे दिए जाते हैं, आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम लगता है उतना, फिर सभी को बिठाए रखा जाता है, तब तक नहीं छोड़ा जाता फिर सभी का ना होता ऐसे सर। हाँ, जब तब का हो जाता तो सभी को छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं। ये सब हुआ मेरे साथ में, कुछ बंदे थे घर में, एक ने तो किसी ने सब्जी चला दी, किसी ने कुछ कर दिया, और कुछ तो ऐसे बंदे थे जिनको पता ही नहीं कि वाटर कैरियर में टेस्ट हो रहा है किस बात का है, वो तो ये समझ रहे वाटर कैरियर पानी डिलीवर करना है सर, यही तो कारण है, इसी कारण तो सर मैं एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को सर जानकारी नहीं है कि होना क्या है वहाँ पे। हाँ, और कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं भी डर चुका था कि एक्चुअली मैं हॉस्टल बताऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन था, अगर मैं मुझे वो चार बंदे जिनके साथ मैंने होटल में बैठ के खाना भी खाया था, अगर वो ना मिलते तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा डाउन हो जाता। सर आपने मेरी एक्सपीरियंस वीडियो देखी थी सर? नहीं नहीं, मैंने जो सभी देखी, मैंने सबसे पहले मैंने देखा ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाल दे रहे हैं, तो मुझे सब फेक लगा, मैंने ऐसा कुछ तो होने हो नहीं रहा है वहाँ पे, ऐसे ये लोग डाल रहे हैं। सर मैं डाल रहा हूँ सर, मैं कोई फेक तो नहीं डाल रहा हूँ ना सर? नहीं, मैंने अभी देखा आपने कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हो, मैंने अभी 14 नंबर वाली आपकी वीडियो देखी, तब मैंने कहा ठीक है मैं क्या बोल रहे हैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि वो बंदा फेल था, वही तो सर, क्योंकि सर देखो एक्सपीरियंस वीडियो लाने से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सर, क्योंकि सर बहुत लोग क्या है परेशान हो रहे हैं सर बहुत ही ज्यादा, लेकिन अभी यार टाइम नहीं है। हाँ, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर उन लोगों ने प्रैक्टिस की है या फिर वो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर है या फिर अकेले रूम पे रहते हैं और खाना अच्छा से बनाना जानते हैं, अच्छे तरीके से खाना भी जानते हैं, तो फिर अच्छा पकाने वाला और अच्छा खाने वाला फिर क्या बोलता पास हो ही जाएगा। अच्छा सर, मतलब जैसे कि अभी तो ग्रुप C और D वालों का कुछ नहीं हुआ ना, तो उन लोगों का तो हो सकता है कुछ ना कुछ?
हाँ उनका तो हो सकता है, ग्रुप सी वालों ग्रुप डी वालों को पता नहीं है, लेकिन उन लोगों का किस कौन लेगा कैसे लेगा तो क्या टास्क दिए जाएंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन टास्क पर डे चेंज हो रहा है। अच्छा सर, हाँ पहले सिर्फ रोटी बुलवाई थी, सब्जी कटवाई थी, सब्जी बनवाई थी, उसके बाद क्या बोला चीला आ गया, फिर पकौड़े आ गए, फिर पापड़ पापड़ी आ गई, आलू पापड़ जो होते हैं वो हर दिन सर तो आलू चेंज पापड़ करवा बना ही रहे हैं सर, खाएंगे। हाँ हर दिन चेंज करवा रहे हैं। हर दिन नहीं लेकिन कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, पहले ऑमलेट नहीं बनवा रहे थे फिर ऑमलेट बनवाने लग गए, तो इस तरीके से बोल रहा हूँ। अगर आप जानते हो जिस चीज की नॉलेज हो सिर्फ वही काम करो, ठीक है। अगर वो टास्क दे रहे हैं तो टास्क तो कम्प्लीट करना ही पड़ेगा, अगर आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कुछ भी बनाओ तो आपको जो आता है वो बना के दे दो। हाँ सर कुछ बेस्ट है तो कुछ तो आना चाहिए सर। हाँ पराठे आते हैं पराठे बना के दे दो सर। कुछ और एक्स्ट्रा सर आप कुछ कहना चाहोगे? अब इसको सर आपको पता है हजारों लोग सुनने वाले हैं, जितने लोगों का टेट टेस्ट नहीं हुआ वो तो लगभग सभी ही सुनने वाले हैं, तो कुछ आप उनको मोटिवेट कीजिए जिससे सर उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए सर। कुछ नहीं है टेट टेस्ट के अंदर कुछ नहीं रखता, सिर्फ आप खाना बनाना है आपको, अगर क्या वाटर करियर टेट से हो तो वहाँ जाना है, अपने आप को क्लीन शेव करके जाना, अपने आप के नाखून काट के जाना, अपने हाथ तो अपने हाथों को अच्छे से बाहरी साफ कर लेना, आपके हाथों पे कोई गंदगी ना हो, आप वहाँ पे स्याही जो आपकी यूज की जाती है फिंगरप्रिंट के लिए तो उसको भी क्लीन कर लेना, बाहर सरफ रखा रहता है उससे अच्छे से क्लीन कर लेना उसको, ताकि हाथों में कुछ दिखे नहीं गंदगी, ठीक है। और बाकी अंदर जा करके रिलैक्स एक लंबी सी सांस लेना, अपना जो भी टास्क देते हैं ध्यान से सुनना, उस जैसे टास्क देते हैं उसको अपने वहाँ पहुंच करके देख लेना टेबल को चारों ओर से क्या सामान कहाँ का रखा हुआ है, जैसी टास्क देंगे टास्क देते ही आप अपने हाथों को इस्तेमाल करने लग जाना कैसे क्या करना है। अगर आपको आटा मारने के लिए बोल रहे हैं तो प्लेट देख लेना गंदी है साफ है, मेरे टाइम पे प्लेट गंदी थी, मैंने उसको जल्दी से जो वहाँ पे क्रश नहीं रखी हुई थी उसे साफ किया, उसको नीचे डस्टबिन रखा रहता है चूल्हे के जस्ट नीचे, उसमें कचड़े को डाला मैंने प्लेट को कपड़े से पोंछ दिया, फिर उसमें आटा डाला, आटा डाल करके मैंने आटा मारना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से आप अपने सामानों को चेक कर लेना साफ है नहीं है, तेल लगा हुआ है तो कपड़े से पोंछ देना, उसको काला हो रखा है तो ध्यान रखना काले को भी अच्छे से साफ कर लेना, तो कपड़े से ही वहाँ पे कपड़ा रखा रहता है, ठीक है। अपने आप को साफ तरीके से खाना बनाना, कुछ भी इधर उधर फैला फैला फूली ना हो, आपके पास सब्जी है तो तरीके से उसको प्यार से इस्तेमाल करो, ये नहीं कि आपने पैक नीचे गिर रहा है सामान, पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पानी नीचे गिर रहा है टपक रहा है, आप अपने चूल्हा जो इस्तेमाल कर रहे हो चूल्हे को ढंग से इस्तेमाल करो, क्योंकि शादी ब्याह में जो हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाला चूल्हा है, दरवा घरेलू चूल्हा नहीं है, तो आपने एकदम उसकी लॉक खोल दी, क्योंकि जितनी आप लॉक खोलोगे उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसकी गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी तो आपकी जो रोटी है वो हवा में उड़ जाएगी, पहली बता रहा हूँ अगर आप जाली से सेक रहे हो, इतना ध्यान रखना गैस को प्यार से ही चलाना, प्यार से उसको खोलना, प्यार से ही रोटी सेकना, ये नहीं कि आपने बहुत ही ज्यादा गैस तेज कर दिया रोटी हवा में उड़ जाएगी प्रेशर के मारे, ठीक है। इतना ही है कुछ नहीं है, ट्री टेस्ट के अंदर जो टास्क है वो पूरा करना है आराम, और लगे कि आपने अच्छा काम किया तो एक सिलेक्ट मार देना। यस सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन लोग भी सुनेंगे सर आपको बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि सर आपने सर बिल्कुल अनुभव एकदम अंतर मन से इतना इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को लगना भी चाहिए कि हाँ हमने कुछ सुना है, मतलब है ना। हाँ सर बाकी आप देख लेना कुछ नहीं है ट्रेड टेस्ट के अंदर, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बोलेगा जो बोलेगा। हाँ ये बात बाकी बाकी जो है आपका लग के आपको क्या ट्रेड टास्क करने के लिए मिलता है। हाँ यदि कहीं सब्जी कटने को मिल गया तो वो कुछ रोटी बेलने से उससे कुछ आसान होता है, सही कि नहीं? हाँ सब्जी करना फिर भी वो उतना आसान नहीं होता, क्योंकि डाइस और बराबर क्यूब्स काटने हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। यस सर धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका।